नाश्ता करेंगे यहाँ पे मस्जिद नबवी के आसपास। भाई पुलिस वाला पीछे लगा। तो कौन भाई ज्यादा खूबसूरत लग रहा है टोपियों में? जैतून वाली तस्बीह होती थी यहाँ पे इमरान भाई, 10 दाना 10 रियाल मरियम बूटी। ये विलादत के टाइम पे जो है ना, मतलब औरतों को पिलाते हैं। ये तो लेडीज है ना। आज यार खुशबू बड़ी है, मैं बनाऊं? ये हमारी निहारी आ गई है और साथ में जो है ऑमलेट आ गया। भाई आपको चाय बनाना नहीं आती, चाय इसको बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजर की नमाज के बाद खूबसूरत मौसम है आज मदीना मुनव्वरा में। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है और पूरी उम्मत को तहज़ीर की गई है उस शख्स से जो कि फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन सल्ला सुबह फी जमात फव फी ज़िम्मतिल्लाह, और बाज एक रिवायत में है कि मन सल्ला सुबह, जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह की ज़िम्मत में है। अब लोग इसका जो है बहुत गलत मफहूम समझते हैं, मैं थोड़ी सी तसहीह कर लेता हूँ। इस हदीस के आगे भी कुछ अल्फाज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब सुबह की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल अल्लाह पाक के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसमें आगे जो हदीस शरीफ के अल्फाज हैं वो ये हैं कि फ़ला यतलुबन्नकुम अल्लाहु बिशैइन मिन ज़िम्मतिही फयुद्रिकहु फयकुब्बहु फी नारि जहन्नम। इसका मफहूम आम अल्फाज में यह है कि जो आदमी फजर की नमाज़ पढ़ता है और आप उसको एज़ ए बाकी जो इंसान है, ये हदीस असल में उन लोगों के लिए थी ना कि जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनके लिए, कि आप लोग उसको कोई अज़ियत देते हैं तो अगर अल्लाह पाक ने आपको किसी ऐसे बंदे को अज़ियत देते हुए पाया जो कि फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ता है तो हो सकता है कि आपको जो है जहन्नम में डाला जाए। तो अल्लाह पाक से हम आफ़ियत तलब करते हैं, जुल्म किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह अलमुस्लिम अखुल मुस्लिम, बहुत सी हदीस शरीफ में कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, फ़ला यज़्लिमन ना हो वला यहक़रन ना हो, बहुत सी मतलब आदाब हैं कि किस तरह आपने एक दूसरे इंसान के साथ तआमुलात करने हैं, उसमें जो है ख़ुसूसी तौर पर अहले फजर के साथ। तो अल्लाह पाक हमें और आपको सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। एक और हदीस शरीफ में यह भी आया है कि जो आदमी ईशा की नमाज़ पढ़ता है मन सल्ला अल-गदा तक वो फी ज़िम्मतिल्लाह, वो भी अल्लाह पाक की ज़िम्मत में, हत्ता युस्बह, जब तक कि सुबह नहीं होती। खुश रहें। तो आइए भी लोग शुरू करते हैं आज का। यार नमाज से पहले जो है ना मेरी बात हुई थी इमरान भाई से कि नाश्ता करने चलेंगे, लेकिन आई थिंक दोबारा सो गए हैं, क्या मसला है? 20 मिनट हो गए मैं बाहर खड़ा हूँ, कॉल नहीं उठा रहे। काश के उठ जाए यार, किधर सो गए हैं दोबारा, क्या चक्कर है? यार ये हमारा बड़ा मसला है। देखो मैं आया हूँ उनके लिए, 20 मिनट हो गए मुझे बाहर खड़े हुए। या इमरान भाई सो गए हैं शायद। भाई साहब खैरियत थी? कोई पुलिस वाला पीछे लगा? पुलिस वाला तो नहीं, 20 मिनट हो गए मैं बाहर खड़ा हूँ। कोई बंदा वॉशरूम जाता है कोई तो नहीं? जिधर भी जाने का बंदा कॉल पे जवाब दे देता है कि यार बिजी हूँ कुछ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अभी जा रहा था वैसे अकेला नाश्ता कर रहा, मैंने कहा फिर बाद में मत कहना कि जाना मैं नाश्ता नहीं कराया। क्या कहते हैं हमारे यहाँ कहते हैं कि हवा के घोड़े पे आप सवार होकर। अच्छा तो थोड़ा 5-10-20 मिनट बंदा देता है। अल्लाह के बंदे 20 मिनट ऑलरेडी मैं रुका हूँ यहाँ पे। तो मैं भी नमाज पढ़ी है, फिर वॉशरूम गया हूँ, फिर कपड़े चेंज किए हैं। अच्छा टाइम लगता है। चलो ये देख रहे कैसे नींद से उठाए हैं, सही से अभी तक अपने होश में भी नहीं आया हमें। चलो ये व्लॉग देखना, इसमें मैंने कुछ नसीहत की है शुरू में। अच्छा चले ठीक है। अब मसला ये, आपने जमात के साथ नमाज पढ़ी थी? नहीं घर पे ही पढ़ी है। घर पे पढ़ी थी। चलो आज इनको फिर अजियत दे सकते हैं, क्या ख्याल है? नहीं नहीं वैसे जो नहीं दे सकते किसी को भी नहीं दे सकते, वो आप व्लॉग देखेंगे समझ आएगी। चलो यानी आप हिकमत झाड़ कर आए हैं? नहीं हिकमत नहीं, मैं एक सही चीज बता के आया। ओके चलिए। अच्छा भाई हमने फैसला किया कि हम नाश्ता करेंगे यहाँ पे मस्जिद नबवी के आसपास, ताकि आप लोगों के लिए भी एक एक्सपीरियंस कर सकें कि किस किस्म का नाश्ता आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है सबसे पहले मस्जिद नबवी के फ्रंट साइड पे मिल सकता है। तो हम मौजूद हैं मस्जिद बिलाल के पास। इस तरफ अगर आप देखें मस्जिद बिलाल और आज कबूतर जो है ना माशाल्लाह तबारक रहमान, ये आप देखें बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और हुज्जाज किराम भी माशाल्लाह तबारक रहमान कितनी ज़्यादा तादाद में आज मौजूद हैं। इस तरफ माशाल्लाह आप देखें एक जो है ना बड़ी ही रौनक लगी हुई है हुज्जाज किराम की, हर तरफ आप देखें माशाल्लाह नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं फजर की नमाज के बाद।
बहुत ही खूबसूरत माहौल है। रश आप देख सकते हैं माशाल्लाह तबारक रहमान। हुजाज किराम गिफ्ट्स वगैरह खरीद रहे हैं हर तरफ से, तस्बीह वगैरह। कम अच्छा 5 रियाल की यार, शायद 3 रियाल की थी उस ज़माने में, मुझे अभी याद नहीं, आज 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज जो है यहाँ पे 5 रियाल की मिल रही है। जैतून वाली तस्बीह होती थी यहाँ पे इमरान भाई, नहीं नहीं ये वाली नहीं है, हाँ ये है शायद 10 दाना 10 रियाल। पहले इनके कोई 20 दाने का जो है ना एक आता था ये बना हुआ, 7 या 8 रियाल का मिलता था। अच्छा एक आपको एक राज की बात बताऊं, आज से 18 साल पहले शायद जब मैं 12 साल 13 साल का था ना, तो ये तस्बीहें मैं भी इस तरह बेचा करता था। मैंने सारे काम किए हुए हैं। सुख बदरुद्दीन में कैशियर भी था, वो कोई 13 साल पहले या 12 साल पहले की बात। यहाँ पे भाई जड़ी बूटियाँ भी मिल रही हैं माशाल्लाह, ये मुख्तलिफ अमराज की होती हैं यहाँ पे। मरियम बूटी ये वो विलादत है, मरियम बूटी ये विलादत के टाइम पे जो है ना मतलब औरतों को पिलाते हैं इसका कहवा बना के। काफी लोगों को ये होता है कि ये खाएं तो जिनको औलाद नहीं होती उनको औलाद होती है। नहीं 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 ऐसा, ये विलादत के टाइम पे मतलब जब विलादत हो जाती है ना उसके बाद जो सफाई होती है जिस्म की, इसको पीने से जो है वो ईजी होता है। आ जाओ ये भाई, भाई यहाँ पे टोपियाँ बिक रही हैं, जरा ट्राई करते हैं कौन सी अच्छी लगती है। आप पहले देखते हैं किसकी अच्छी लगती है, किसको ज्यादा। सर का साइज जो है ना वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिल जाएगी, आ जाए आ जाए, खड़े हो खड़े हो खड़े हो भाई। कौन कौन भाई ज्यादा खूबसूरत लग रहा है टोपियों में और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये बलोची है, बलोची है, सिंधी है, बलोची है, बलोची है। ये ऐसे आगे होते हैं, क्या बात है। दो रियाल। ये दूसरी ट्राई करते हैं। ये आई थिंक ओमानी टोपी है। यहाँ पे घड़ियाँ हैं 10 रियाल, 10 रियाल की एक घड़ी है यहाँ पे। ये लेडीज, अच्छा वो वाली लेडीज, ठीक ठीक ठीक। पहले वहाँ पे पठान लोग बेचते हैं 100-100 रियाल, 100-100 रुपए, 100-100 रुपए वाली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से, घड़ी मुबारक हो। यहाँ पे ये देखें आप मुख्तलिफ किस्म के जो है गिफ्ट हैं। ये तो लेडीज है ना, ये सारा लेडीज माल है। कम 2 रियाल की। ओए होए सीन देखें यार, सीन देखें क्या आज कबूतर भी ज्यादा दिख रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। ओए होए 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 क्या बात है यार, बंदा सिर्फ ये सीन ही देखता रहे। अच्छा यकीन करें यहाँ पे आने के बाद मुझे भूख जो है वो भूल चुकी है, नाश्ते की भूख है। नाश्ते की भूख है, मैं वही बोलने वाला था। वैसे आप मुझे उठा के लाए थे नाश्ते के लिए, आपने मुझे मार्केट में लाके खड़ा कर दिया भाई। मेरा नाश्ता खत्म हो गया, मैंने नाश्ता कर लिया, ये माहौल देख के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को लोग। यहाँ पे देखें आप ये पत्थर भी हैं असली, अगीक सुलेमानी कह रहा है कौन सा अयत कुल्लु अगीक सुलेमानी। ओके कम से अरवाद भाई 5 रियाल का जो है अकीक मिल रहा है भाई साहब, बता रहे हैं कि ओरिजिनल है। और ये यहाँ पे फैरोज है 10 रियाल में बिक रहा है। इन चीज़ों की मुझे समझ नहीं आती, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके हवाले से जो कि अथेंटिक बताया जाता है मदीना में सबसे फेमस जगह, उसके नीचे लिंक मैं दे दूँगा, वो आप देख लेना। बहरहाल ये बाहर जो है रोड के ऊपर बिक रहे हैं 5-5 रियाल के, और वहाँ पर जो थे वो तो 200-300 रियाल के हिसाब से बिक रहे थे। इस तरफ जाय नमाजें हैं ये अगर आप देखें भाई, ये वाली जो जाय नमाज आप देख रहे हैं ना, 1 10 रियाल की, 2 15 रियाल के। इनकी क्वालिटी कैसे होती है यार? क्वालिटी अच्छी होती है, कभी वक्त था 20 रियाल में एक ली थी ये। अच्छा लेकिन क्वालिटी शायद डिफरेंट होगी यार। नहीं यही क्वालिटी, यही क्वालिटी थी। वैसे आज ये दूसरी चीज़ है जो हमें फील हो रही है कि भाई सस्ती हो चुकी है मार्केट में। यहाँ पे खजूर है भाई, ये सुकरी है लेकिन थोड़ी पुरानी लग रही है। कितने की है भाई? 15 रियाल। 15 रियाल किलो है। ये रबिया है क्या है? रबिया है, बड़ा दाना है माशाल्लाह। अजवा वाला 20 रियाल, अजवा 20 रियाल है, 20 रियाल। ये अजवा है खुश्क है 20 रियाल की माशाल्लाह। कलमी है 15 रियाल। देखिए बोलना नहीं चाहिए मुझे किसी, लेकिन वो
समझ खुश दाने हैं सारे। मेरी बेटियां व्लॉग देखते हैं, कहते हैं बाबा आप हमारे लिए तो कुछ नहीं बनाते व्लॉग्स में, आइए आपको वो दिखाते हैं कि बच्चों के लिए क्या है। यार ये देखें, ये जो है ना बच्चों की, ये अब मेरी बेटियां देखेंगी बोलेंगी जो है ना ये हमें चाहिए। हाँ दो रखी हुए हैं। कितने का है भाई? 15 रियाल की एक। माशाल्लाह ये देख रहे हैं इमरान भाई, ये जो खिलौने बिक रहे हैं। यार मुझे ये लेनी है। बकरा जबा कर रहे हैं? हाँ। दावा कर रहे हैं? दावत करनी है। अच्छा एक बात बताऊँ, आइए हाँ। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना सारी, ये जो बेच रहे हैं, इस गली के अंदर जो है ना होलसेल की दुकानें हैं इन सब खिलौनों की। वो पीछे वो जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है सफ़ेद वाली, इसकी पूरी लाइन में सारी होलसेल की शॉप्स हैं जिसमें आपको ये घड़ियाँ, ये परफ्यूम, ये जो बेच रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो खिलौने, मैं वहाँ से लेके आता था एक दर्जन जो है 80 रियाल का, और 10-10 रियाल की ये चीज़ें बेचा करता था आज से वही 18-20 साल पहले, 18 साल पहले तकरीबन, 70 अभी तक है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पहला सीज़न जो हज का था 2005-06, मुझे अब सही याद नहीं है, उसमें मैंने 500 रियाल कमाए थे अपने लिए फर्स्ट पूरे सीज़न में, और 500 रियाल उस ज़माने में बड़ी रकम हुआ करती, बड़ी अहमियत थी। यस तो ये भाई थोड़ा सा आप लोगों को मुझसे बिलाल के पास जो माहौल है वो दिखाया है। अब आइए आपको जो है, अब करें चलें नाश्ता ही करते हैं, आ जाएं अब भाई चलते हैं नाश्ता करने के लिए और आप सबको नाश्ता कराते हैं, आइए मेरे साथ। इस रेस्टोरेंट पे मैंने पहले भी नाश्ता किया था, आज फिर आ गए हैं मतम सलवा अब्दुल्ला अल-बुखारी। बाय द वे इस तरफ भी रेस्टोरेंट्स हैं और इस तरफ अंदर भी गली में कुछ रेस्टोरेंट हैं और उस तरफ भी हैं, ठीक है, लेकिन आज हम क्योंकि यहाँ आ गए हैं तो यहीं पर नाश्ता कर लेते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन रश बहुत लगा हुआ है यार, बहुत ज़्यादा। हाँ चलो इधर, माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है ना कि हमें 2 घंटे लग जाने नाश्ता करते करते, इतना ज़्यादा रश जो है लगा हुआ है हर तरफ यहाँ पे भी। पसंद है खास तौर पे जो बाहर बनते हैं, मैं उसी उधर ही जा रहा हूँ। रश आप देखें माशाल्लाह, आइए आपको दिखाते हैं ज़रा पराठे किस तरह बना रहे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह ये देखें भाई, सलाम अलैकुम, यहाँ पे भाई पराठे बन रहे हैं ताज़ा ताज़ा, क्या बात। या सलाम, अल्लाह अल्लाह, क्या हाल है भाई? खैरियत से? क्या नाम है आपका? ज़िशान अहमद। अरशान अहमद इंडिया से आए हैं, माशाल्लाह वेलकम टू मदीना। आज यार खुशबू बड़ी है, मैं बनाऊं? वैसे भी आप यही बोलते हैं ना कुकिंग में आपका हाथ नहीं चलता, दोनों हाथ नहीं चलते कुकिंग में। अंडा उबाल लेता हूँ, वो भी नहीं पता कितने मिनट के लिए उबालना चाहिए। ये बात, एक दफा चाय का बोला था नहीं बनाया था, यस, पर जो मैंने चाय बनाई थी वो कड़वी चाय पिलाई थी आपको, पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी है, हर चीज कड़वी खिला देते हैं मुझे। मैंने कड़क ट्रक ड्राइवर वाले चाय जान दे यार कड़क। माशाल्लाह इधर अगर आप देखें एक और रेस्टोरेंट, यहाँ भी बड़ा रश लगा हुआ है, आगे मजीद भी रेस्टोरेंट है। इमरान भाई एक और बात बताता हूँ, ये सामने अलबेक है, सबसे पुरानी अलबेक है मदीना मुनव्वरा में, सबसे पुरानी 25 हाँ सबसे पहली और पुरानी है। इसके सामने यहाँ पे स्कूल हुआ करता था, सही। पूरे मदीना के जो बच्चे हैं जो कि 20 साल से ऊपर के हैं ना सब इधर ज़रूर पढ़े होंगे, माशाल्लाह। उसके अलावा पीछे यहाँ पे ग्राउंड था जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल खेलते थे, हमारे घर बिल्कुल सामने वो जो क्रेने नज़र आ रही है ना आपको, इसके साथ ही होते थे। सलाम अलैकुम भाई साहब, बड़ी चाहत से देख रहे हैं, यूट्यूब पर देखा है, आज इधर देख लें, क्या हाल है? खरे आए आपको नाश्ता कराते, आइए आइए आपको नाश्ता कर, तो बड़े पे बैठ सकते हैं ये सर, नहीं बच्चों के लिए है मेरे खास, आ जाए इसमें, ये एक रेस्टोरेंट आया इधर ही बैठते हैं, रश कम है, आ जाए माशाल्लाह, बड़े अच्छे लेवल का बना हुआ है माशाल्लाह रेस्टोरेंट, इधर ही बैठ जाए। हाँ ठीक, नाश्ते में क्या क्या है? नाश्ते में पाया चना आमलेट पराठा निहारी। सबसे अच्छी क्या चीज़ है? हलीम और निहारी। हलीम और निहारी पाया। हाँ इमरान भाई क्या लेंगे? निहारी, एक निहारी कर दें, एक दाल कर दें, दाल नहीं है चना, नहीं आमलेट कर दें। हाँ आमलेट कर दें, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखें माशाल्लाह मुख्तलिफ वैरायटीज़ के जो है खाने रखे हुए हैं, चना ये पाया है और ये आई थिंक ये निहारी है और ये क्या है, ये हलीम है माशाल्लाह, और वहाँ पे सब्ज़ी है और चने हैं। इस तरफ अगर आप देखें तंदूर भी लगा हुआ है, रोटियाँ बन रही हैं और उस तरफ जो है पराठे भी बन रहे हैं माशाल्लाह। ये भाई शाहिद साहब हैं, थैंक यू, हमारी वीडियोस देखते रहते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत फेमस है। वो तो खैर पे आए थे, हमारे पास नहीं आए थे, ओए आज आ गए हैं ना आपके पास। अच्छा इन्होंने पहला भी लोग देखा, कहते हैं मतम अल खैर, जो कि मेरी बचपन की यादें हैं, वो पहले सब थोड़ा आगे हुआ करता था, अब पीछे हो गया। ये हमारी निहारी आ गई है और साथ में जो है आमलेट आ गया, क्या बात।
चाय कड़क भी तैयार है। चाय कड़क है, कड़क आपकी जो कड़क थी कड़क और अभी जो यहाँ की चाय कड़क होगी, फर्क बताऊंगा मैं सच्चा फीडबैक दूंगा। ओके, आप वाली जो थी बहुत कड़वी थी। अच्छा, अब देखते हैं इनकी चाय कैसी है, कड़क ऐसे ही होती है या वो आपने गलत बनाया। मुझे पक्का पता है आपने मुझसे कोई बदला लिया है। बिस्मिल्लाह, ये भी गरम गरम रोटी आ गई है, क्या बात। ये भी लुकमा आ गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, चीनी देख ली बहन, एक्स्ट्रा चीनी। जायका नमकीन क्यों है? ये ऐसा ही होता है। अच्छा, नमकीन नमकीन से जायका इनका। भाई आमलेट ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, क्या बात। सलाम, चाय ज़रा ट्राई, कड़क चाय इनकी आई है और देखते हैं इमरान भाई की कड़क चाय और कड़क चाय में क्या फ़र्क है। वाह, क्या बात है। या सलाम भाई, आपको चाय बनाना नहीं आती, चाय इसको बोलते हैं। अच्छा, सच्ची बात है। वेरी माशाल्लाह, जिंदाबाद। देखिए नमकीन है या मुझे फील हो रहा था। रोटी तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। अंडा ट्राई करें। यस, नमक ज़्यादा है ना। हाँ जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया है और नाश्ता जो है अच्छा था, नमक थोड़ा सा ज़्यादा था। हो जाता है सम टाइम, क्यों? हाँ ये बात है। भाई साहब पीछे से बुला रहे हैं, खैर हो, पैसे तो दे आए हैं हम यार। वापस करने आया क्या? ना 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 ना, नो 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 नो, प्लीज़ नहीं 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 नहीं, नेवर। ओ नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं मेरी जान, वो हम पैसे दे के आ गए, उनको बाद में पता चला कि भाई ये तो हम यूट्यूबर हैं, तो पैसे वापस देने आए थे, तो हमने लिए नहीं है। गैर मुनासिब बात है और मैं ऐसे करता भी नहीं हूँ भाई। देवर अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? ईशान। ईशान कसीम। ईशान कसीम। ईशान कसीम है और माशाल्लाह जे आपको बड़ा फ़ैन है। बहुत शुक्रिया। अरे उसने मुझे पहचाना ही नहीं पहले, तो थका हुआ है। उम्र की मुबारक। अच्छा, 3 बजे पहुँचे हैं माशाल्लाह। जबरदस्त, हम आ गए थे मस्जिद नबवी माशाल्लाह नमाज के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो उम्र की। पाकिस्तान से आए हैं? हाँ जी, पाकिस्तान। किस शहर से? खानेवाल से। खानेवाल से, चलें। क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ओके ईशान, थैंक यू जी। ओके सलाम, अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो। वालेकुम सलाम, मैंने आपको देखा आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है, खैरियत से? मिजाज अच्छे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए? मैं अलगसीम बुरैदा से। अलगसीम बुरैदा से? जी भैया, आप लास्ट टाइम हमारे बुरैदा आए थे यहाँ वो? जी जी, मैं तो हर वक्त आता रहता हूँ। तमन मार्केट में रास्ता दे। किस मार्केट में? तमन मार्केट में आप आए थे वो लोग बनाने के लिए? हाँ यस, मैं ज़्यादा आता रहता हूँ वहाँ पे, नेक्स्ट वीक भी आ रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा सर, सही। और क्या खिदमत कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया यार। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई साहब, खैरियत से? आपका वीडियो बहुत, बहुत शुक्रिया। आप कश्मीर से लग रहे हैं मुझे? आप? मैं इंडिया, बिहार से। बिहार से। आप सर? तमिलनाडु। तमिलनाडु, माशाल्लाह तीनों भाई इकट्ठे आए हैं माशाल्लाह। चौथा भी है, सलाम अलैकुम। वो कहाँ से? अच्छा आपका भाई है बिहार से। वालेकुम सलाम सर। खजूरा सामने पहने? ओ ए, नहीं नहीं नहीं, गड्डियां आ गए, गड्डियां च आके जरियां वो किस्सा मानदे ते किस टाइम आवी गड्डियां दे विच ओ जरे ओ बुरैदा गसीम में छै गए ने, ओ 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। सलाम अलैकुम, एथे फिर ले लिया ही चंगा। नाम क्या है आपका? अरसलान। आपका हो गया सर, हो गया। अरसलान, कहाँ से आए? यूके से। यूके से, चले वेलकम टू मदीना। क्या खिदमत कर सकते हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हाल है भाई, खैरियत से? क्वाइस क्वाइस अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो इमरान भाई, इट इज़ ओके? इट इज़ ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शिकवा शिकायत नहीं? नहीं, चलो शुक्र है। अभी नाश्ता भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और आपको सारा माहौल भी दिखाया यहाँ पे। वैसे हमारे प्लान में यहाँ पे आना नहीं था लेकिन आखिरी टाइम पे जो है, वैसे सुबह सुबह के माहौल में यहाँ पे आना और ये माहौल देखना बहुत मजा। आजकल मौसम बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए टिकटॉक के ऊपर आ जाएँ। मेरी टिकटॉक की आईडी भी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत सी फेक आईडीज़ मेरे नाम से बनी हुई हैं, उनको सबको प्लीज़ रिपोर्ट भी करें। सिर्फ ये जो सामने आपको अभी नज़र आ रही है फेसबुक पेज के ऊपर, ये जो वीडियो चल रही है ये यूट्यूब के ऊपर, ये मेरी ओरिजिनल जो है अकाउंट है, तो इस पर फॉलो करें टिकटॉक के ऊपर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।